विदेशी बाजारों में तेजी की वजह से तेल तिलहन बाजार में मूंगफली और सोयाबीन तेल बिनौला सीपीओ पामोलियन तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। दूसरी तरफ बाजार में सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में आग लगी हुई है। कच्चे तेल का दाम $97 प्रति बैरल के पार जा पहुंचा है और जल्द ही इसके $100 तक छू लेने की संभावना जताई जा रही है। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगवादी क्षेत्र डोनास्क एंड लुगांस्क को अलग देश बनाए जाने के आदेश के बाद यूक्रेन संकट बढ़ने से भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल वायदा सोने का दाम 0.82% चढ़ गया है। विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली बाजार में सरसों छोड़कर बाकी सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार आया है। सरसों के नए फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में भारी गिरावट भी आई है। उद्योग संगठन सी यानी कि द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों से अपील की है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वे तत्काल प्रभाव से खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP में 3 से 5 रुपए की कमी करें। अमेरिकी सोयाबीन वायदा में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी सोयाबीन वायदा $1,630 पर कारोबार करते हुए दिखाई दिया। इससे पहले अमेरिकी सोयाबीन वायदा $1,580 के करीब कारोबार करता दिखाई दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी टेंशन से ग्लोबल इकोनॉमी और शेयर बाजार सहमा हुआ है। इस समय रुपया डॉलर के मुकाबले 41 पैसे की भारी गिरावट के साथ 74.91 के स्तर पर है। इस समय कच्चा तेल $95 के करीब है। अरहर के साथ ही आयातित उड़द की आवक ज्यादा होने से इनकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। साथ ही घरेलू मंडियों में देशी मसूर की आवक बढ़ने से इसकी कीमत में भी गिरावट बनी हुई है। घरेलू बाजार में अरहर के साथ ही मसूर की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। आपूर्ति कमजोर होने तथा मांग बढ़ने से हाल ही में राइस ब्रॉन ऑयल की कीमतों में 700 रुपए क्विंटल की उल्लेखनीय तेजी आई है। सप्लाई व मांग को देखते हुए भविष्य में भी इसमें गिरावट की संभावना जताई गई है। सरकार द्वारा एक बार फिर से मंदे भाव के चने की बिकवाली किए जाने से 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट पर लॉरेंस रोड पर राजस्थानी पुराना चना 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है तथा मंडियों में प्राइवेट सेक्टर की आवक पूरी तरह टूट गई है।